अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उर्दू ग्रामर के मज़ामीन पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हम खुतूत नवेसी, दरख्वास्त नवेसी और मज़मून नवेसी के मुतालिक पढ़ेंगे। खुतूत नवेसी, खुतूत नवेसी कहते हैं ख़त लिखने के तरीक़ेकार को। ख़त के अहम हिस्से मंदरजा ज़ेल है। सबसे पहले मकाम रवानगी, यानी ख़त की पेशानी पर, यानी ख़त के सबसे ऊपर सफ़े के दाएं कोने पर ख़त लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तारीख, मकाम रवानगी के ऐन नीचे तारीख लिखते हैं। और मौजू अलकाब, यानी जिस शख्स को ख़त लिखा जा रहा है उसे जिस नाम से मुखातिब किया जाता है, मसलन अब्बा जान तो प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई प्यारे भाई और प्यारे अली वगैरह। आदाब व तस्लीमात, यानी कलाम का आगाज़ हमेशा सलाम से किया जाए, यानी अस्सलामु अलैकुम। फिर उसके बाद नफ्स मज़मून, यानी ख़त का असल और मरकज़ी हिस्सा, इसमें वो बातें लिखी जाती हैं जिस मकसद के लिए ख़त लिखा जा रहा है। ख़त के मज़मून को आदाब व तस्लीमात के नीचे वाली सतर से शुरू किया जाता है। इख्तिताम, मज़मून ख़त को दुआया कलिमात और वस्सलाम पर ख़त्म किया जाता है। ख़त लिखने वाले को अपना नाम बाएं कोने पर लिखना चाहिए। हमने अब ख़त नवेसी के मुतालिक पढ़ा और बताया कि ख़त में कितने हिस्से होते हैं। सबसे पहले नाम लिखा जाता है, फिर तारीख लिखी जाती है, फिर मौजू अलकाब से जो उनके मुतालिक जो अलकाब हैं, फिर नफ़ से ख़त लिखा जाता है और फिर इख्तिताम होता है। आइए आते हैं अपने ख़त की तरफ। वालिद साहब को गर्मियों की छुट्टियों में घर आने का ख़त लिखें। ख़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अब्बा जान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझे आपसे गुजारिश करनी थी कि आपने इस साल गर्मियों की छुट्टियों में घर आने का वादा किया था, इसीलिए हमने इस साल गर्मियों में आपके साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है। गुज़िश्ता साल आप अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, इस साल आपके आने का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि आपके आने के बाद हम सब मिलकर पूरा शहर घूमें। अम्मी और छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। फकत आपका प्यारा बेटा अलिफ बा जीम। दरख्वास्त नवेसी, दरख्वास्त नवेसी किसे कहते हैं? दरख्वास्त नवेसी कहते हैं जिसमें दरख्वास्त लिखने के तरीक़ेकार को जिक्र किया जाए। सबसे पहले जिनको दरख्वास्त लिखी जा रही है उनके मनसब का जिक्र सफ़े के दाएं तरफ लिखा जाएगा, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब। फिर जिस इदारे को आप ख़त लिख रहे हैं इस इदारे का नाम लिखेंगे, यानी मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब के नीचे अगली लाइन से उसी के नीचे आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, अल मदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप नफ़से दरख्वास्त शुरू होगी, नफ़से दरख्वास्त शुरू की जाएगी जिसमें अदब व एहतराम के साथ अपना उज़र पेश करके जिस चीज़ की दरख्वास्त की जा रही है उसको जिक्र किया जाएगा। फिर आखिर में, यानी दरख्वास्त ख़त्म होने के बाद आखिर में नए सतर से बाएं तरफ, यानी सतर की बिल्कुल आखिरी हिस्से में अपना ताल्लुक जिक्र करके अपना नाम लिखा जाएगा। यानी ताल्लुक, आप उनके शागिर्द हैं या उनके यहाँ नौकरी करते हैं तो आप शागिर्द हैं तो आप लिखेंगे आपका फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बा जीम। खतूत के अंदर और दरख्वास्त नवेसी के अंदर अपना नाम नहीं लिखते जब स्कूल में आप लिख रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हकीकी तौर पर आप किसी को दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वहाँ अपना नाम शनाख्त के लिए लिखा जाएगा। प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखें जिसमें आप स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर खेलों की मशक कराने की दरख्वास्त करें। दरख्वास्त, बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, अल मदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कराची। जनाब आला, मोहतबाना अर्ज़ है कि जिस तरह गुज़िश्ता साल आपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर खेलों के का इनेकाद किया था, हम तलबा चाहते हैं कि इस साल भी स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाए ताकि हम तलबा में भी ऐसे खेलों का शौक़ हो जिससे हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत में इजाफा हो और पूरा साल हम पढ़ाई का जो बोझ होता है इसमें कुछ कमी हो जाए। उम्मीद है कि आप हमारी दरख्वास्त कबूल करके हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएंगे। ऐन नवाजिश होगी आपका फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बा जीम। मज़मून नवेसी,
मज़मून नवीसी किसे कहते हैं, यानी मज़मून लिखने के तरीक़ाकार। किसी भी मज़मून के तीन हिस्से होते हैं, तमहीद या तारुफ। मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून का तारुफ करते हैं या कुछ इब्तदाई बातें जो मज़मून के मुतालिक हो उनको ज़िक्र किया जाता है। तमहीद या तारुफ के बाद आता है नफ़्स मज़मून। नफ़्स मज़मून यानी मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून को तफसील से ज़िक्र करते हैं और मज़मून के मुतालिक अहम मालूमात फराहम करते हैं। नंबर तीन यानी इख्तिताम, इसमें मज़मून का इख्तिताम किया जाता है। मज़मून के इस हिस्से में हम मज़मून को समेट कर मुकम्मल करते हैं। अपने शहर पर मज़मून लिखें, मेरा प्यारा शहर। वैसे तो मुझे अपने मुल्क के हर शहर से मोहब्बत है, मगर कराची मेरा सबसे प्यारा शहर है, क्योंकि इस शहर में मेरी पैदाइश हुई है और मेरा पूरा बचपन इसी शहर में गुजरा है। हमारे शहर में हर किस्म की खूबसूरती पाई जाती है। यहाँ जदीद तरीन शीशों की बुलंद इमारतें हैं। यहाँ की सड़कें इंतहाई कुशादा और वसी हैं। यहाँ आवाम की तफरी के लिए जगह जगह पर पार्क बने हुए हैं, जिनमें बच्चों के खेलने कूदने के लिए हर किस्म के झूले मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ मुल्क का सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है, जिसमें बैरून मुल्क से बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए आने वाला सामान ट्रकों और दूसरी मालबरदार गाड़ियों के ज़रिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाता है। इस शहर में पाकिस्तान भर के लोग अपने रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। गर्ज, इस शहर में हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, इसी वजह से मुझे अपना शहर पसंद है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई, आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।